और चलिए मेरठ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से आ रही ये बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, केदारनाथ से लौट रहे मेरठ के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, हादसे में चार लोग हुए लापता। बड़ी खबर मेरठ से, हादसा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, केदारनाथ यात्रा से लौट रहे थे मेरठ के श्रद्धालु, इस दौरान कार खाई में गिरी। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा, हादसे में चार लोग लापता हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन, उत्तराखंड पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल से सामने आई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा बताएं ये जो हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर अब तक मिल पा रही है? बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के कुछ लोग गए थे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, और वहां से दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। तो बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के पास में जाकर, एक गंग नहर में जाकर उनकी जो गाड़ी है वो समा गई, उसमें चार लोग सवार थे। लेकिन उसके बाद में वहां पर जैसे ही पता लगा तो वहां की जो पुलिस मौके पर पहुंची, और वहां जिस प्रकार से पहुंचने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर वहां पर बुलवाई, लेकिन कल से अब तक उन लोगों का कोई भी पता नहीं चला है। हालांकि उनके बैग और आधार कार्ड से उन लोगों का पता लगाया गया कि आखिर वो लोग मेरठ के हैं, और तेज बहाव के चलते लगता है वो उसमें बह गए। लेकिन देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एनडीआरएफ की टीम लगी रही, लेकिन कहीं तक भी अभी तक उन लोगों को कोई पता नहीं चला है। उनके परिवार वालों को मेरठ से सूचित कर दिया गया है, उसके बाद में उनके परिवार वाले वहां के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। और मेरठ में धर्मेंद्र, जैसे आपने बताया कि बैग से जो है ये पता चल पाया है कि जो लापता हुए हैं लोग वो कहाँ के रहने वाले थे, और सूचित भी कर दिया गया, आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि ये हादसा जो है किस वक्त हुआ था और कितने घंटे अब तक बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो चल रहा है, साथ ही ये भी कि जो लोग लापता हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ के एक परिवार के ही चार लोग हैं, वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। तो उसके बाद में तकरीबन 24 घंटे पहले एक कार जो है वहां की जो गंग नहर है उसमें जाकर अचानक जाकर समा गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में तुरंत ही वहां से तकरीबन अभी 24 घंटे का जो रेस्क्यू है वो लगातार इस पर अब तक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाकर उनके बैग और आधार कार्ड वहां पर मिले हैं एनडीआरएफ की टीम को। उसी से पता लगाया कि ये लोग मेरठ से थे, और एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं जो वहां पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी जानकारी यहाँ से जब मेरठ के लोग वहां पर जा रहे हैं, तो हालांकि वो भी धर्मेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या कार जो हादसे का जिसमें लोग सवार थे, ये सभी लोग सवार थे लापता होने वाले, क्या वो बरामद कर ली गई है, उसका कोई सुराग मिल पाया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बिल्कुल जो कार थी उसमें वो लोग समाये थे, ना तो लोग मिले हैं और ना ही कार मिली है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस प्रकार से 24 घंटे का रेस्क्यू हुआ, रेस्क्यू में अभी तक कोई सफलता उनकी हाथ नहीं लगी, हालांकि वहां के आसपास को लोगों, चलिए अभी भी लेकिन रेस्क्यू जारी है, और उम्मीद है कि जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा जो लोग लापता हुए हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।